वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल तो आज अपने फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले तो फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते हैं स्टॉक के अंदर आज एक पे देख सकते हैं कि छोटी सी चौपी मूवमेंट फिर से एक बार देखने को मिल रहा है फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के अंदर इंपॉर्टेंटली की बात देखी जाए तो आज ओपन हुआ था फ्यूचर कंज्यूमर प्रीवियस क्लोजिंग जो थी उसी के साथ और रिसेंटली प्रीवियस क्लोजिंग स्टॉक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और वही से रेजिस्टेंस लेके गिरावट देखने को मिले वन लेवल तक मीन्स देख सकें कि दो लेवल के बीच में ट्रेडिंग देखने को मिले तो फ्यूचर कंज्यूमर की कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है पर मार्केट कैप तीन सौ सात करोड़ का है पिछले पांच दिनों की बात की जाए फ्यूचर कंज्यूमर में तो देख स देखिए थ्री परसेंटेज डाउन है स्टॉक लास्ट फाइव डेज में वन मंथ की बात की जाए तो स्टॉक ने यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली तो फिर से गिरावट होने लगी है स्टॉक के अंदर तो यहाँ पे देख सक हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम देखा जाए फ्यूचर कंज्यूमर का तो फिफ्टी थ्री लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है ट्रेडेड वैल्यू की बात की जाए तो एटी लैख की ट्रेडेड वैल्यू है हां आप ये देख सकते हो कि बैंक के लिए बात की जाए तो 24 लाख क्वांटिटी बैंक के लिए पेंडिंग है तो सेलिंग के लिए 38 लाख ,00 सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन के ऊपर नजर डाली जाए तो 52 लाख ,00 में से 32 लाख ,00 क्वांटिटी जो है वो डिलीवरी के लिए जाते हुए नजर आ चुके हैं स्टॉक के अंदर तो देख सकते कि तकरीबन 61% क्वांटिटी जो है नेक्स्ट डे होल्डिंग के लिए जाते हुए नजर आ चुके हैं तो यहाँ पे देख सकते तकरीबन बाकी के जो रिटेल है चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे जैसे कि यहाँ देख सकते लास्ट वीक में स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिली थी फिर एंड में गिराउट हो चुकी थी तो रिसेंटली देख सकते स्टॉक यहाँ पे मंथली जो प्यूट फिफ्टी पे है, जो कि हमने पहले भी बात की थी वो लेवल सपोर्ट एक्ट हो सकते है स्टॉक के लिए और उसी लेवल पे सपोर्ट लेने के भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं स्टॉक के अंदर तो रिसेंटली देख सकते उसी लेवल पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो रहा है स्टॉक ऊपर के साइड तो फिर से बाउंस बैक होता है तो देख सकते फिर से ऊपर जाने के चांसेस दिखाई देंगे वन पॉइंट तक